दोस्तों, दिन भर कंप्यूटर मोबाइल में आंखें गड़ाए रखना, पूरी नींद ना लेना, दिन ब दिन बिगड़ते लाइफस्टाइल के कारण आजकल छोटे छोटे बच्चे भी चश्मे लगाए फिर रहे हैं। हालांकि इसका कारण कहीं ना कहीं शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी है। ऐसे में आज हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देंगे जिससे ना सिर्फ आंखों की रोशनी तेज होगी बल्कि आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम होम रेमेडी के बारे में जानते हैं। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए रेमेडी में आपको चाहिए होगा 500 ग्राम भुने हुए चने, चने के छिलके निकाल लीजिएगा। फिर आपको 100 ग्राम मगज के दाने चाहिए होगा। मगज भी आपको किसी भी किराने के शॉप पर मिल जाएगा। 100 ग्राम छोटी इलायची चाहिए और स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री चाहिए। इसके अलावा 500 ग्राम बादाम और 250 ग्राम काजू चाहिए होगा। आप इन सभी चीजों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। यहाँ पर इलायची के छिलके नहीं निकालने हैं, छिलकों सहित इसे पीस लेना है और पीसने के बाद इसका पाउडर किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है और रोजाना सुबह शाम इस मिश्रण का एक एक चम्मच एक गिलास गर्म दूध के साथ लेना है। इससे आंखों की रोशनी तेज होगी, याददाश्त तेज होगा, पढ़ा लिखा याद रहेगा और बुढ़ापे तक आपकी आंखें कमजोर नहीं होंगी। बच्चे बूढ़े सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। चलिए, ये तो आपको रेमेडी रेगुलर फॉलो करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और आयुर्वेदिक टिप्स बताता हूँ जिससे आप आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो और आंखों पे लगा चश्मा भी हटा सकते हो। सुबह उठते ही साथ बासी थूक को काजल की तरह आंखों के नीचे लगाइए। लगाने के बाद कम से कम एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर चाहे तो आप नहा ले। दरअसल बासी थूक में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार हैं। साथ ही इससे डार्क सर्कल्स भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा फेस वॉश करने के बाद मुंह में पानी भरें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें, फिर कुल्ला कर लें। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार करें। आपने फेस वॉश कर लिया, मुंह में पानी भर के आपको आंखों पर छींटे मारने हैं और 3 से 4 बार ऐसा करना है। जितनी बार यह नुस्खा करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा। इसके अलावा अनुलोम विलोम करें और सुबह सुबह कम से कम आधे घंटे तक नंगे पैर घास पर चलें। इससे बॉडी का प्रेशर पड़ता है और उंगलियों के कुछ पॉइंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा सोने से पहले गुनगुने सरसों के तेल, जैतून के तेल या फिर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड के तेल से पैरों के तलों की मालिश करें। ऐसे में पैरों के कुछ पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये है दोस्तों छोटे छोटे टिप्स जिससे आप आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो और आंखों पे लगा चश्मा भी छुड़वा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हो जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।